अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो क्या महिलाओं में अंडे फूटते हैं या नहीं, यानी कि ओवुलेशन होता है या नहीं। अगर ओवुलेशन होता है तो क्या कोई महिला फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के दौरान प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है तो ओवुलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर इस अंडे का क्या होता है, ये अंडा कहाँ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ऐसी क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका आंसर डिटेल में देने वाला हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं सेहत रात। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाने के कई सारे कॉजेस, कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस होना या प्रीवियस पेल्विक सर्जरी का हिस्ट्री होना। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन रही थी या ऐसी कोई कंडीशंस है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से आपके फैलोपियन ट्यूब में एडिशंस हो जाते हैं और एडिशंस की वजह से आपका कोई एक फैलोपियन ट्यूब या दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है। और फ्रेंड्स, अब ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब में दो तरह की होती है। सबसे पहला पार्शियली ब्लॉकेज, दूसरा फुल्ली ब्लॉकेज। पार्शियली ब्लॉकेज में आपका फैलोपियन ट्यूब आधा ब्लॉक होता है और आधा खुला होता है। पार्शियली ब्लॉकेज में ज़्यादातर महिलाएं तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में महिलाओं को ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी ख़तरनाक प्रेगनेंसी होती है। अगर आप इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड होता है फुल ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब। फुल ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट ऑफ द केसेस में महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इस केस में फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है और शुक्राणु भी अंडाणु तक नहीं पहुंचता है, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है और महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो अब सवाल आता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब फुल्ली ब्लॉक हो या पार्शियली ब्लॉक हो या कोई एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या कोई दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, तो क्या कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस केसेस में भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगा तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से महिलाओं का फैलोपियन ट्यूब क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कोई एक फैलोपियन ट्यूब फुल्ली ब्लॉक है तो दूसरे फैलोपियन ट्यूब से बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर कोई एक फैलोपियन ट्यूब पार्शियली ब्लॉक होगा तो महिला तो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन इस केसेस में महिलाओं को ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाएगी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब फुल्ली ब्लॉक हो, यानी कि फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से बंद हो, तो क्या कोई महिला में अंडे फूटते हैं या नहीं, यानी कि ओवुलेशन होता है या नहीं। और अगर ओवुलेशन होता है, अगर अंडे फूटते हैं, तो इस अंडे का क्या होता है, ये अंडा कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर फैलोपियन ट्यूब पार्शियली ब्लॉक हो या फुल ब्लॉक हो, तब भी महिलाओं में अंडे फूटते हैं और ओवुलेशन भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए कि इस अंडे का क्या होता है, आपको ये समझना होगा कि ये ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब में किस जगह पर होती है। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज दो जगह पर होती है। सबसे पहला यूट्रस के ठीक नज़दीक वाले फैलोपियन ट्यूब में, दूसरा ओवरीज के ठीक नज़दीक वाले फैलोपियन ट्यूब में। अगर ब्लॉकेज यूट्रस के ठीक नज़दीक वाले फैलोपियन ट्यूब में होती है, तब ब्लॉकेज की वजह से ये अंडाणु या तो एट्रेसिया में चला जाता है, अदरवाइज ये टूटकर सेल के द्वारा, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिए जाते हैं। अगर ये ब्लॉकेज ओवरीज के ठीक नज़दीक वाले फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में इंटर नहीं कर पाता है, जिससे ये पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, इस कैविटी में ये अंडाणु चले जाते हैं और फ्लूइड में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से आपके बॉडी के द्वारा सोख लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको आपके सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया होगा और आपके ये सारे कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गए होंगे।
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह के ट्रस्टेड टॉपिक के लिए हमारे सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।